Assalamu alaikum. We'll be starting chapter 4, sulfur and its compounds. The first question is, describe what allotropy is. Describe different allotropic forms of sulfur. Allotropy kya hai? Aur sulfur ke different allotropic forms hain, usko describe karna hai. Sabse pehle allotropy hota hai ki koi bhi element jab different physical state mein naturally taur pe paya jata hai, उसको हम लोग कहते हैं एलोट्रोपी. सल्फर के तीन एलोट्रोपिक फॉर्म्स होते हैं, रोम्बिक सल्फर जिसको अल्फा सल्फर भी कहा जाता है और ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, और तमाम एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सल्फर में से ये स्टेबल फॉर्म होता है. जो नॉर्मल सल्फर हमें मिलता है नेचुरल तौर पे, उसको जब सॉल्यूशन बना के कार्बन डाइसल्फाइड में डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बना के उसको जब प्रिपेयर उसको हीट करके जो एवोपरेट करने के बाद जो हमें सल्फर मिलता है दैट इज रोम्बिक सल्फर. एंड अगेन रोम्बिक सल्फर को अल्फा सल्फर भी कहते हैं. सेकेंड एलेट्रोपिक फॉर्म ऑफ सल्फर इज मोनोक्लिनिक सल्फर. ये भी एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है लेकिन ये नीडल शेप में होता है और इसकी स्टेबिलिटी 96 डिग्री सेल्सियस से लेकर 119 डिग्री सेल्सियस तक होता है. इसको तैयार करने के लिए जो रोम्बिक सल्फर होता है उसको आहिस्ता से कूल डाउन किया जाता है और फिर वो नीडल यानी सुई की शेप का एक क्रिस्टल तैयार करता है और इसको मोनोक्लिनिक सल्फर कहते हैं और उसका दूसरा नाम है बीटा सल्फर. थर्ड एलेट्रोपिक फॉर्म ऑफ सल्फर इज प्लास्टिक सल्फर. ये नॉन क्रिस्टलाइन होता है यानी अमॉर्फस में होता है ये. इसमें क्या होता है, जो पिघला हुआ सल्फर होता है उसको जल्दी से ठंडा पानी डाल के बर्फीला पानी डाल के उसको जब अचानक से ठंडा कर दिया जाता है, सुपर कूल कर दिया जाता है, तो वो एक अमॉर्फस शेप यानी नॉन क्रिस्टलाइन शेप का बनता है सल्फर और उसको हम प्लास्टिक सल्फर कहते हैं. इसके अलावा इसका सेकेंड नेम है गामा सल्फर. सेकेंड सवाल है, व्हाट इज प्लास्टिक सल्फर, व्हाई इज इट इलास्टिक. प्लास्टिक सल्फर क्या है और वो इलास्टिक क्यों होता है यानी फ्लेक्सीबल, उसके अंदर फ्लेक्सीबिलिटी क्यों होती है. प्लास्टिक सल्फर नॉन क्रिस्टलाइन होता है. सल्फर का एक फॉर्म होता है जो नॉन क्रिस्टलाइन होता है, क्रिस्टल्स नहीं बनते उसके अंदर, अमॉर्फोस होता है पाउडर शेप का. जो सल्फर होता है उसको जब बॉयल करते हैं तो जो S8 यानी 8 सल्फर के जो एटम्स कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल तैयार करते हैं, आपस में रिंग शेप में होते हैं पहले, तो बॉयल करने पे क्या होता है, ये एक चेन बन जाता है. जब ये चेन बन जाता है तो उसको आसानी से स्ट्रेच आउट कर लेते हैं और इसके वजह से क्या होता है, जब वो ठंडा हो जाता है तो उसके पास रबर टाइप का यानी फ्लेक्सिबिलिटी की जो है इसके पास प्रॉपर्टीज पाई जाती है. क्यों? क्योंकि रिंग वाले सल्फर जो है, जो रिंग शेप में होता है, वो एक चेन के फॉर्मेट में आ जाता है और उसको आसानी से स्ट्रेच आउट किया जा सकता है. व्हाट इज द एक्शन ऑफ सल्फर ऑन हीटिंग विद CuCCl2 यानी जब सल्फर इनसे रिएक्ट करता है तो क्या बनता है. सल्फर जब कॉपर के साथ रिएक्ट करता है तो वो C2S कॉपर सल्फाइड बनता है. कार्बन के साथ जब रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइसल्फाइड बनता है. इसी तरीके से क्लोरीन से जब रिएक्ट करता है तो S2Cl तैयार होता है. एंड जब वो सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो N2S तैयार करता है. सल्फर के कोई भी चार यूजेस बताने हैं. सल्फर को ज़्यादातर केमिकल्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लाइक सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइसल्फाइड. इसके अलावा वुड पल्प को ब्लीच करने के लिए, साफ करने के लिए इस्तेमाल होता है. सल्फर रबर को साफ करने के बाद सख्त बनाने में ताकि वो इस्तेमाल हो सके, सख्त रबर उसको हार्ड करने के लिए इस्तेमाल होता है. और फोर्थ, सल्फर डिसइंफेक्टेंट के तौर पर यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए भी इस्तेमाल होता है. नेक्स्ट सवाल, डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन हाउ सल्फ्यूरिक एसिड इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स बाय द फ्रेश प्रोसेस. फ्रेश प्रोसेस से हम एक्सप्लेन करना है किस तरीके से हमें सल्फर ज़मीन के नीचे से मिल रहा होता है. फ्रेश प्रोसेस में क्या होता है, बेसिकली कि ज़मीन के नीचे से हम लोग मोल्टन फॉर्म में या पिघले हुए फॉर्म में हम सल्फर को ज़मीन के नीचे से निकाल रहे होते हैं. इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहला स्टेप होता है कि बहुत ही ज़्यादा गर्म पानी को, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 170 डिग्री सेल्सियस को हम पाइप के थ्रू ज़मीन के नीचे भेजते हैं. वो गर्म पानी क्या करता है कि नीचे सल्फर मौजूद होता है उसको मेल्ट कर देता है यानी मोल्टन फॉर्म में ला देता है और फिर वो ऐसा नीचे सारा सल्फर है वो जमा होना शुरू कर देता है.
जब एक दफ़ा तकरीबन जो सारे सल्फर हैं वो मेल्ट हो जाते हैं तो दोबारा से उसके अंदर से हॉट कंप्रेस एयर यानी गर्म हवा इधर भेजा जाता है ताकि वो दूसरे पाइप से ऊपर की तरफ सल्फर आना शुरू हो जाए। जब सल्फर जो है ऊपर आना शुरू हो जाता है तो आए उसके साथ जो है ओपनिंग पे एक वुडन डब्बे रखे जाते हैं जहाँ पे वो जमा किए जाते हैं और तकरीबन 99.5% सल्फर वहाँ पे जमा होना शुरू हो जाता है। Next question, describe what happens when sulfur is heated in the absence of air and when sulfur is heated in the presence of air. यानी ऑक्सीजन की मौजूदगी और गैर मौजूदगी में क्या सल्फर को जब हीट किया जाता है तो क्या उसमें से प्रोड्यूस होता है। जब हवा की गैर मौजूदगी में या ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में सल्फर को हीट किया जाता है तो फिर वो अपना एलोट्रॉपिक फॉर्म्स चेंज करता है, लाइक रोम्बिक सल्फर से फिर वो मोनोक्लिनिक सल्फर में, इस तरह की इनकी जो इंटर कन्वर्जन होती है एलेक्ट्रोपिक फॉर्म्स में वो होती है। लेकिन जब एयर की मौजूदगी में यानी ऑक्सीजन की मौजूदगी में सल्फर को हीट किया जाता है तो एक ब्लू कलर का फ्लेम यानी कि जो आग होती है वो ब्लू कलर की पैदा होती है टू शो के सल्फर डाइऑक्साइड बना है। डिस्कस वेरियस स्टेजेस इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस, गिव इक्वेशंस ऑफ द रिएक्शंस इन्वॉल्वड, व्हाट इज द कैटलिस्ट यूज्ड इन द प्रोसेस। सल्फ्यूरिक एसिड को किस तरीके से कॉन्टैक्ट प्रोसेस से तैयार किया जाता है, जो इक्वेशन जो रिएक्शन हो रही होती है वो रिएक्शन हमें देनी है एंड देन ये बताना है कि इस प्रोसेस के अंदर कैटलिस्ट कौन सा यूज होता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि आयरन पाइराइट को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया जाता है ताकि हमें सल्फर डाइऑक्साइड सेपरेटली मिल सके। उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड को क्लीन किया जाता है यानी कि उसके जो डस्ट पार्टिकल्स हैं गैसेस हैं सब कुछ उसमें से निकाला जाता है। वाटर का भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो सोल्यूबल इम्प्योरिटीज वो निकाल सकें आर्सेनिक उसे, ताकि वो जो आगे जाके जो कैटलिस्ट यूज किया जाएगा ताकि वो पॉइजनस ना हो जाए, इसी वजह से सल्फर डाइऑक्साइड को पहले प्योरीफाई किया जाता है। जब एक तरह से वो प्योरीफाई हो जाता है तो उसको दोबारा से ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया जाता है एंड देन वी गेट सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है जो थोड़ा सा अनकंसनट्रेटेड होता है, लाइक डायल्यूटेड होता है। तो डायल्यूट सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाने के बाद हमें मिलता है ओलियम, दैट इज H2S2O7। ओलियम किसको वाटर के साथ मिक्स किया जाता है और फिर हमें प्योरेस्ट फॉर्म में तकरीबन 99.8% प्योर सल्फ्यूरिक एसिड हमें मिल रहा होता है और वो कंसनट्रेटेड फॉर्म में होता है। और इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है वो है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, दैट इज V2O5। Next question, explain why SO2 is purified before it is passed into the contact tower for its oxidation to SO3. सल्फर डाइऑक्साइड को फर्स्ट स्टेप में साफ क्यों किया जाता है? सबसे पहले साफ इसलिए किया जाता है क्योंकि कॉन्टेक्ट टावर में जब वो SO3 के बाद आगे स्टेप्स चल रहे होते हैं तो वो हमारे पास कैटलिस्ट होता है वेनेडियम पेंटोक्साइड, वो पॉइजनस बन जाता है अगर उसको प्योरीफाई नहीं किया जाए। तो इसी वजह से SO2 को पहले प्योरीफाई किया जाता है उसके बाद जाके उसको ऑक्सीडाइज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू शो करना है। जब लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स लाइक ग्रुप 2 के एलिमेंट्स सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करते हैं तो फिर वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरीके से जब मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स लाइक ग्रुप 1 के एलिमेंट्स सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करते हैं तो वो सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरीके से जब सल्फ्यूरिक एसिड नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है तो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है और उनके ऑक्साइड्स डिफरेंट काइंड ऑफ ऑक्साइड्स तैयार होते हैं। सेकेंड पार्ट है कि सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। अब सल्फ्यूरिक एसिड क्योंकि हाइग्रोस्कोपिक है यानी कि वो वाटर को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखता है, तो खासकर जब वो हीटअप हुआ होता है, पूरा हॉट हुआ होता है, तो वो कुछ ज़्यादा ही डिहाइड्रेटिंग पर्पस के लिए वो आसानी से यूज हो सकता है। अब चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, गिव द इम्पोर्टेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड इट्स यूजेस। इन सल्फ्यूरिक एसिड के इम्पोर्टेंस बताने हैं और उसके इस्तेमाल बताने हैं। सल्फ्यूरिक एसिड फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, वो सिंथेटिक फाइबर लाइक रायन पेपर प्लास्टिक्स एंड डिटर्जेंट्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है,
पेंट्स और कलर्स, डिफरेंट काइंड ऑफ कलर्स यानी पिगमेंट्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, सेलुलोज फिल्म बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, स्टील को साफ करने के लिए, स्टेनलेस स्टील वगैरह को साफ करने के लिए इस्तेमाल होता है, और क्योंकि वो हाइग्रोस्कोपिक है, ड्राइंग एजेंट है, तो डिफरेंट रिएक्शंस के अंदर ये एज अ ड्राइंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसके अलावा बैटरीज के अंदर, चाहे वो मोटर की बैटरी हो या लीड की हो, उसमें इस्तेमाल होता है, और ये सबसे ज़्यादा ये पेट्रोलियम को साफ करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। और यहाँ पे आप लोगों का चैप्टर नंबर 4 सल्फर एंड इट्स कंपाउंड्स कंप्लीट हो गया है। अल्लाह हाफिज़।